हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स ए के पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले दिनों मैंने एक आपके लिए प्रैक्टिकल फाइल का वीडियो बनाया था। उसमें स्टैक्स के प्रोग्राम एज़ पर द सीबीएसई गाइडलाइन तीन प्रोग्राम स्टैक्स के देने थे। हालांकि मैंने एक प्रोग्राम में तीन प्रोसीजर्स बना करके, तीन फंक्शंस बना करके दिए थे, लेकिन कुछ टीचर्स ने ये बताया कि नहीं, तीन प्रोग्राम्स होने चाहिए स्टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं आज आपको दो और प्रोग्राम्स स्टैक्स के देने वाला हूँ, जिसे आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में ऐड कर सकते हैं। तो वो दो कौन से प्रोग्राम हैं, हम लोग उसकी एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, और फिर दोनों प्रोग्राम्स आपको मैं देता हूँ। ये प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम विथ सेपरेट यूज़र डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। पुश द कीज, दैट इज नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए डिक्शनरी, इन टू स्टैक वेयर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इज ग्रेटर देन 75। एक डिक्शनरी है, उसकी अगर वैल्यूज़ जो है किसी की ग्रेटर देन 75 हैं, तो उन कीज़ को आपको स्टैक में पुश करना है और फिर स्टैक से पॉप करके डिस्प्ले करना है ऑन द स्क्रीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एक डिक्शनरी दी गई है। तो डिक्शनरी में अगर ये मान लीजिए इफ़ इट इज़ 75, ग्रेटर देन 75, सो दिस इज़ नॉट ओम, दिस शुड बी टॉम। ठीक है, तो ये टॉम यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ये इट इज़ लेस देन 75, इट शुड नॉट बी प्रिंटेड, जय शुड नॉट बी प्रिंटेड, सो बॉब इज़ टू बी प्रिंटेड, अनु इज़ बीइंग प्रिंटेड एंड ओके, ये ओम ही है यहाँ पर, टॉम, अनु और बॉब और ओम एट द लास्ट। ठीक है, यानी कि ये पॉप किया जा रहा है कहाँ से, एंड से स्टैक के पॉपिंग हो रही है और ये सभी कीज यहाँ पर प्रिंट हो रही है। सिमिलरली सेकेंड प्रोग्राम विल बी, दिस इज़ ए सेट ऑफ नंबर्स गिवन इन द लिस्ट, इस लिस्ट में से सभी इवेन नंबर्स को पॉप करके स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो 38 प्रिंट हो गया, 22 प्रिंट हो गया, 98, सिमिलरली आपका 56 हो जाएगा, 34 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, दिस इज़ बीइंग प्रिंटेड लाइक दिस, सो दिस इज़ योर प्रोग्राम। सो मैं ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया और यहाँ पाइथन में जा कर के मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, न्यू फाइल। यहाँ पर मैं इसे कमेंट बना देता हूँ, द होल क्वेश्चन आई एम मेकिंग द कमेंट हियर अप टू दिस पॉइंट, देन वी विल स्टार्ट। हम लोग एक ये डिक्शनरी जो है यही सपोज कीजिए क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर मैं ये कॉपी कर देता हूँ, हियर आई एम गिविंग द कमेंट, प्रोग्राम बिगिंस या स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, आफ्टर दैट वी कैन राइट द कंप्लीट प्रोग्राम। अब सबसे पहले मैं फंक्शन जो है वो पुश वाला फंक्शन करूँगा, फंक्शन पुश, जिससे आप क्या करेंगे, ये जो कीज़ हैं आपकी इन्हें पुश करेंगे, हूज वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 75। तो पुश में आपको करना क्या होता है, बहुत सिंपल फंक्शन होता है, डेफ, मैंने लिख दिया push, पुश, ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। इसमें आप दो पैरामीटर डाल दीजिए, एक तो कौन सा स्टैक का क्या नाम है, स्टैक यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आपको पता ही है, और क्या इम्प्लीमेंट करना है, एन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एन मीन्स द वैल्यू इज टू बी अपेंडेड। ठीक है, ऐड जो करना है आपको, ऐड क्या करना है, की ऐड करना है स्पेशली। ठीक है, और एस आपका फंक्शन ये हो गया स्टैक, इसमें आप अपेंड कर देंगे, अपेंड फंक्शन के थ्रू आप एक तरह से पुश करेंगे, एट द एंड ऑफ द स्टैक द वैल्यूज विल बी अपेंडेड, विच वैल्यू, एन विल बी अपेंडेड, सो दिस फंक्शन इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, दिस इज़ द पुश फंक्शन कम्प्लीटेड। फिर से मैं डेफ करके मैं पॉप फंक्शन डिफाइन करूँगा, पॉप,
पॉप में आप क्या करेंगे, स्टैक में से आप पॉपिंग करेंगे, ठीक है, कौन सा एलिमेंट वो स्टैक में से आप एक एलिमेंट एक एक एलिमेंट एंड से पॉपिंग करेंगे एंड दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, राइट। सो हाउ टू डू इट, अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो क्या पॉपिंग की जा सकती है? इफ़ एस नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर ऐसा नहीं होगा तभी आप स्टैक में से लिस्ट में से पॉपिंग करेंगे। तो हम लिखेंगे एस डॉट पॉप, पॉप फंक्शन आप जानते हैं लिस्ट का, ठीक है, इसे हम रिटर्न करा लेंगे, रिटर्न एस डॉट पॉप। और एल्स के केस में अगर एम्प्टी है आपकी लिस्ट यानी कि स्टैक, तो आप क्या करेंगे, रिटर्न नन, ठीक है, ये इट इज़ योर पॉप फंक्शन। हैश, यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, फंक्शन पॉप, ऑल राइट। देयर आफ्टर अब आपका मेन प्रोग्राम शुरू होगा, सो आई कैन राइट हियर मेन प्रोग्राम, जो दोनों इन दोनों फंक्शंस को जो कॉल करेगा, राइट। एक मैं यहाँ पर ST, एक स्टैक डिफाइन कर लेता हूँ, लिस्ट है, स्टैक यहाँ पर कुछ नहीं है, एक लिस्ट है। और अगर आप इसमें फॉर आई इन आर करते हैं, आर का मतलब कैपिटल आर मैं यहाँ ले रहा हूँ, जो कि एक डिक्शनरी है, यहाँ आप देख रहे हैं आर डिफाइंड है, तो आई में जानते हैं क्या आएगा, आई में सारी कीज आएंगी इसकी, ठीक है। इफ आर ऑफ आई, आर ऑफ आई का मतलब क्या हो गया, उसकी वैल्यू है ना, डिक्शनरी ऑफ इट्स की इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, देन के केस में क्या करेंगे, आप पुश फंक्शन को यहाँ कॉल करेंगे, PUSH स्मॉल में आपने लिखा हुआ, पुश और ब्रैकेट में आप ST जो आपकी लिस्ट है इसके अंदर, सॉरी ST, इसके अंदर आप क्या पुश करेंगे, यू विल बी पुशिंग द वैल्यू ऑफ की, और की मेरा आई में है, ये मैंने पुश कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट आप इस तरह से, ये प्रोसीजर फॉर लूप चलता रहेगा फॉर द कंप्लीट डिक्शनरी, जहाँ भी उसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 मिलेगा किसी भी की वैल्यू, वो क्या करेगा, की को स्टैक में पुश कर देगा, ST फॉर स्टैक, ST का मतलब लिस्ट, पुश फंक्शन यहाँ पर यह कॉल कर लेगा, अपेंड हो जाएगा। आफ्टर दैट आप क्या करें, अब आपकी लिस्ट पॉपुलेट हो गई, आपका स्टैक जो है वो पॉपुलेट हो गया है, सारी कीज उसके अंदर चली गई हैं, अब लिस्ट से वैल्यू निकालना आपको आसानी से आता है, और वो तब निकालेंगे अगर आपका जो लिस्ट है यानी ST है जो स्टैक है, इफ़ इट इज़ नॉट एम्प्टी, अगर इसके अंदर कुछ गया है तो क्या करेंगे, आप प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट ब्रैकेट में हर वैल्यू को पॉप करेंगे, पॉप पॉप क्या करेंगे, ST पॉप, ST आपने पुश किया था, ST आप पॉप कर लेंगे, ST के अंदर आपने पुश किया था और ST में से ही आपको पॉपिंग करनी है, ये पॉप फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं, दिस इसमें आपका पॉप फंक्शन लिस्ट का कॉल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एंड इज़ इक्वल टू सिंगल कोट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंट होगा, बैक स्लैश एन से न्यू लाइन में नहीं जाएगा। देयर आफ्टर हेयर यू कम ऑन एल्स, एल्स में आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक,
एल्स में आप ये ब्रेक कर देंगे, और दिस इज़ हाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट। इसे आप सेव करेंगे, यू कैन सेव इट। सपोज आई एम सेविंग इट ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में ये पाइथन प्रोग्राम टेम्प फोल्डर में मैं सेव कर लेता हूँ स्टैक वन के नाम से, स्टैक अंडरस्कोर वन, सेव, रन इट। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से, टॉम इज पॉप्ड आउट एंड प्रिंटेड। सबसे पहले टॉम पॉप हुआ है, प्रिंट हुआ, क्योंकि ये 82 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। देन अनु इज पॉप्ड एंड प्रिंटेड, देयर आफ्टर इट इज इग्नोर्ड, लेस देन 75। देन बॉब इज पॉप्ड एंड प्रिंटेड, बॉब की इज प्रिंटेड, 45 इज लेस देन 75, एंड देन 76 का ओम, दिस की इज प्रिंटेड। सो दैट वे यू कैन जस्ट कॉपी इट। इसको आप ये सारा कोड कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं अपनी इस प्रैक्टिकल फाइल में, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल फाइल दी थी। इसमें आप स्टैक में चले जाना, कहाँ पर, जहाँ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, हेयर पाइथन सेगमेंट स्टार्टेड, यहाँ पर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। यहाँ पर आप इसे प्रैक्टिकल नंबर 26, एक पुश और पॉप पर मैंने बनाया था, यहीं पर आप नया प्रोग्राम, प्रोग्राम नंबर 27 करके, प्रैक्टिकल नंबर 27 पर आप इस प्रोग्राम को पाइथन कनेक्टिविटी से ऊपर इसे यहाँ पर आप इंसर्ट कर लेंगे, दिस प्रोग्राम। इसको कॉपी पेस्ट करना है, वहाँ पर पेस्ट कर देना है कॉपी करके, और इसका जो आउटपुट आ रहा है, दैट आउटपुट इज ऑल्सो टू बी कट एंड पेस्ट ओवर देयर। ठीक है, तो एक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके अलावा आप एक और प्रोग्राम बना लेंगे इसी तरह का, ठीक है, कौन सा, सेकंड प्रोग्राम जो मैंने यहाँ से आपको दिखाया था, सेकंड प्रोग्राम। दीज आर ऑल इवन एंड ऑड नंबर्स, सो इवन नंबर्स को यहाँ से पुश करना है स्टैक में, फिर उसको पॉप करके ये प्रिंट कर लेना है लाइक दिस। तो इफ़ आई कॉपी दिस, और मैं इसी प्रोग्राम में इसे भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, तो इसी प्रोग्राम में मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। यू कैन सी लाइक दिस क्वेश्चन नंबर टू, और यू कैन ओपन न्यू फाइल, पेस्टेड। ठीक है, आफ्टर पेस्टिंग इट, इसे कमेंट बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू मेड कमेंट। सारा मैं यहाँ से ये प्रोग्रामिंग इसकी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर पूरा प्रोग्राम ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें थोड़ा चेंज करना है, चेंज कर लीजिए बस, दैट्स इट, सॉरी, हेयर। नाउ व्हाट इज द चेंजेस टू बी डन, आप ये डिक्शनरी यहाँ से हटा दीजिए, रिमूव दिस डिक्शनरी फ्रॉम देयर एंड कॉपी दिस लिस्ट। ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ से कॉपी करके यू कैन पेस्ट ओवर हियर, ये आपकी एन में आ गई, ठीक है, 38 तक हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, पुश इसी तरह से रहेगा, पॉप इसी तरह से रहेगा, लिस्ट पर इम्प्लीमेंट दोनों किए गए हैं, लॉजिक यही है। और जहाँ पर आप ये मेन प्रोग्राम लिख रहे थे, वहीं पर आकर के आपको क्या करना है, फॉर आई इन, आपका जहाँ आर था वहाँ पर एन कर दीजिए, एन लिस्ट का नाम है ये, पहले से जो दी जा रही है, और यहाँ कंडीशन चेंज कर दीजिए। क्या कंडीशन लिखेंगे, इफ़ आप जानते हैं कि इस एन नाम की लिस्ट में से अगर आप ये फॉर लूप लगाएंगे तो सारे एलिमेंट्स आई में आते जाएंगे, आई को टेस्ट करना है कि वो इवन है क्या, आई परसेंटेज टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो टेस्ट कर लीजिए, इस ज़ीरो के लिए टेस्टिंग कर लीजिए, अगर ये सही है तो पुश एसटी कॉमा आई कर दिया मैंने, ठीक है। वाइल ट्रू, ये बिल्कुल उसी तरह से है, कुछ इसमें करना नहीं है, एवरीथिंग इज़ एज इट इज़ एज अर्लियर प्रोग्राम, क्योंकि वो स्टैक में से पॉप करना है, प्रिंट करना है। और नीचे आपको पास कंप्लीट प्रोग्राम है ये, यहाँ पर ब्रेक तक, तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस,
एंड सपोज आई एम राइटिंग इट स्टैक अंडरस्कोर टू, सेव कर देता हूँ इसको मैं, सेव्ड एंड रन इट। जैसे आप रन करेंगे ये सारी 38 यहाँ से देख सकते हैं, इसको कंपेयर कर लीजिए, 38 वॉज गॉन इन दैट स्टैक। ठीक है, सबसे पहले उसमें 12 गया था स्टैक में, उसके बाद 34 गया था, उसके बाद 56 गया था स्टैक में, 98 अपेंड हुआ था, 22 अपेंड हुआ था, 38 अपेंड हुआ था। अब पॉपिंग में क्या हो जाएगा, 38 पहले निकलेगा, 22 उसके बाद निकलेगा, देर आफ्टर 98 विल कम आउट पॉपिंग के टाइम में, 56 विल कम आउट, 34 विल कम आउट एंड लास्टली 12 विल पॉप आउट एंड स्टैक विल बी आई मीन स्टैक विल नॉट बिकम एम्प्टी। स्टैक को हमने एक्सेस किया पॉपिंग करके, ठीक है, अब स्टैक एम्प्टी हो ही जाएगा ऑब्वियसली, सारे पॉप कर लिया आपने और आपके ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले भी हो गए। पॉप जो है वो आपको रिटर्न भी करता है, आप जानते हैं इट विल रिटर्न इट द पॉप्ड वैल्यू, यानी लिस्ट में से जो भी आप पॉप करते हैं पॉप फंक्शन का यूज़ करके, दैट विल बी टेकन आउट फ्रॉम द लिस्ट एज वेल एज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट एज वेल एज प्रिंटेड हेयर, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न भी करता है आप जानते हैं। तो इस तरह से ये दोनों फंक्शंस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल के लिए, एक ये हो गया और डिक्शनरी के थ्रू, ये लिस्ट के थ्रू हो गया और ये डिक्शनरी के थ्रू हो गया। डिक्शनरी तो इम्प्लीमेंट नहीं किया है, डिक्शनरी में से कीज़ को लिस्ट के फॉर्म में रिट्रीव करके देन यू हैव इम्प्लीमेंटेड इनटू द स्टैक। सो यही मुझे बताना था, इसे आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में यहाँ पर डाल लेना जहाँ पर मैंने बताया, प्रैक्टिकल नंबर 26 के बाद 27 28 कर देना और यहाँ से सक्सेसिव इसे 29 कर देना, कनेक्टिविटी वाला प्रैक्टिकल जो 27 है इसी के बाद ये 28 29 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से आप सभी प्रैक्टिकल्स के नंबर चेंज कर सकते हैं और देन आपकी एक नई प्रैक्टिकल फाइल बन के तैयार हो जाएगी। मैं इसे इस प्रैक्टिकल फाइल में इम्प्लीमेंट करके फिर से इस प्रैक्टिकल फाइल का जो लिंक है इस वीडियो में, जो करंट वीडियो जा रही है इसमें फिर से मैं डाल दूंगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा डाउनलोड करना और उसे समझ पाना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स, और लाइक करना ना भूलें, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।